आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अनुज जी, खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि इंडोनेशिया 28 अप्रैल से सीपीओ के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकता है, रोक सकता है। आपको क्या लगता है, अगर बैन लगता है तो इसका असर खाद्य तेलों के बाजार पर कितना देखने को मिल सकता है, क्या प्राइसेस होंगे अब आगे? देखिए, खाद्य तेलों की बात करें तो सीपीओ से हमें लगता है कि सीपीओ पर तो बैन नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो हमें लगता है कि इंडिया के साथ काफी अच्छे टर्म कंडीशन है, तो सीपीओ पर तो बैन नहीं लगता है, हमें लगता नहीं है, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट थोड़ा सा भी प्रेशर हमने देखा था, बट हमें लगता है कि यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी जो है प्राइसेस में रहेगी। और जब जो मीटिंग है उनका, अगर वो मीटिंग होता है और वहां पर जैसा आउटकम आएगा तो हम देखेंगे कि भावों में आने वाले जो नकदी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बैन है वो हमें लगता नहीं कि यहाँ पर होता वो दिखाई देगा। तो अल्टीमेटली जिस तरीके से सरसों के भावों में गिरावट आई है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एडिबल ऑयल हम कुछ गर्मी देख सकते हैं। जी, आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।